बॉबी झा MNS न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबर। आज पर्दे पर रिलीज हो चुकी है इश्क की खुशबू से सजी मल्टी स्टार्स कलंक, ये कारण फैंस को थिएटर में जाने के लिए करेंगे मजबूर। पिछले कुछ समय से यह देखने को मिल रहा है कि फ्रीडम ड्रामा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस कर रही है, ऐसे में कलंक भी इसी लिस्ट में शामिल है। मल्टी स्टार्स फिल्म कलंक आज 17 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। अभिषेक वर्मा निर्देशित इस फिल्म की कहानी हिंदू मुस्लिम विवाद पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को फैंस अब तक जबरदस्त पसंद कर चुके हैं। फिल्म को फैंस ने अलग अलग रूप में जमकर सराहना मिल रही है। वही कुछ करीना की तरह से ही बिंदास है उनकी लाइफ स्टाइल, जानिए कैसे जीवन जीती है एक्ट्रेस। करीना कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म गुड न्यूज के लिए कैमरा फेस कर रही है। फिर वो 38 साल की हो चुकी है और कई बार अपने अनशन परिधान की वजह से रोल में रहती है, हालांकि वह इससे ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि बेबो चुप नहीं पाई। कलंक के रिलीज से पहले आदित्य का बयान, एक अभिनेता के तौर पर किसी के पास एक रोड मैप नहीं हो सकता। अभिनय भले ही स्टारडम, पैसे, ग्लैमर और चित्रा चौंध से जुड़े हो, लेकिन फिल्म अभिनेता आदित्य रॉय कपूर का कहना है कि यह एक निश्चित जगह है, क्योंकि इसमें एक कलाकार के लिए सफलता का रोड मैप तैयार करना असंभव है। एक विजय के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले 33 वर्षीय आदित्य को पहली बार आशिकी 2 में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला था। अभिनेता का मानना है कि जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है तब अभिनेता के पास काम नहीं रह जाता। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।